वेलकम फ्रेंड्स, नाउ वी रीड क्लास 11th लेसन फर्स्ट, गॉड सी द ट्रूथ बट वेट्स, रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। तो नाउ वी स्टार्ट। इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर लिव्ड ए यंग मर्चेंट। व्लादिमीर जो कस्बा है उसके अंदर एक जवान व्यापारी रहता था, नेम्ड इवान दमित्रिच एकिशनोव, जिसका नाम इवान दमित्रिच एकिशनोव था। ही हैड टू शॉप्स एंड ए हाउस ऑफ हिज ओन। उसके पास स्वयं की दो दुकानें व एक घोड़ा था। एकिशनोव वाज ए हैंडसम। एकिशनोव था वो एक सुंदर था, फेयर हेडेड सुंदर सिर वाला, क्यूरली हेडेड फेलो और घुंघराले बालों वाला व्यक्ति था। फुल ऑफ फन, पूर्ण रूप से मजाकिया था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, और गाने का बहुत ज्यादा शौकीन था। व्हेन क्वाइट ए यंग मैन ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक, और जब वह बिल्कुल जवान व्यक्ति था तो शराब पीने का आदी था। एंड वाज रिचियस वेन ही हैड टू मच, और जब वह बहुत ज़्यादा पी लेता था तो उपद्रवी हो जाता था। बट आफ्टर ही मैरिड ही गेव अप ड्रिंकिंग, लेकिन अपनी शादी के बाद में उसने शराब पीना त्याग दिया, एक्सेप्ट नाउ एंड देन, यदा कदा के अलावा। वन समर एक गर्मी में एकिशनोव वॉज गोइंग टू द निजी फेयर। एकिशनोव है वो निजी फेयर के अंदर जा रहा था, मेले के अंदर जा रहा था। एंड ही हैड बैड गुड बाय टू हिज फैमिली, और जैसे ही उसने अपनी परिवार को अलविदा कहा, हिज वाइफ सेड टू हिम, तो उसकी पत्नी ने उसका कहा, इवान डू नॉट स्टार्ट टूडे, आज अपनी यात्रा शुरू मत करो। आई हैव हैड ए बैड ड्रीम अबाउट यू, मैंने आपके बारे में एक गलत सपना देखा है। एकिशनोव लाफ्ड एंड सेड, एकिशनोव हंसा और कहा, यू आर अफ्रेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर, आप भयभीत हो कि मैं जब मेले के अंदर जाऊंगा, आई सेल गो ऑन ए स्प्रे, तो मैं वहां पर फिजूल खर्ची करूंगा या रंगरेलियां मनाऊंगा। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आई डू नॉट नो वाट आई एम अफ्रेड ऑफ, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानती कि मैं किस चीज से भयभीत हूँ। आल आई नो इज दैट, लेकिन मैं जानती हूँ, दैट आई हैड ए बैड ड्रीम, कि मैंने एक बुरा सपना देखा है। आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम द टाउन एंड व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप, जब मैंने सपना देखा कि जब आप कस्बे में लौटे और जब आपने अपनी टोपी को उतारा, आई सा दैट योर हेयर वाज क्वाइट ग्रे, कि आपके जो बाल हैं वो बिल्कुल सफ़ेद हो चुके थे। एकिशनोव लाफ्ड, एकिशनोव है वो हंसा, दैट्स ए लकी साइन, यह तो बहुत ही एक अच्छा भाग्य का चिन्ह है या संकेत है। सैड ही वह बोला, सी इफ आई डोंट सेल आउट ऑल माई गुड्स, यदि मैंने मेरे सामान पूरा नहीं बेच दिया, एंड ब्रिंग यू सम प्रेजेंट फ्रॉम द फेयर, और आपके लिए मेले से कुछ उपहार लेकर के आऊँगा। सो ही सेड गुड बाय टू हिज फैमिली, इसलिए उसने अपने परिवार को अलविदा कह दिया, एंड ड्रो अवे, और चलने लगा। वेन ही हैड ट्रेवल्ड हाफ वे, जब उसने आधी यात्रा कर ली, ही मेट ए मर्चेंट हुम ही न्यू, वह एक व्यापारी से मिला जिसको कि वह जानता था। एंड और दे पुट अप एट द सेम इन फॉर द नाइट, और वो दोनों एक ही इन यानी धर्मशाला के अंदर रात के अंदर रहे। दे हैड सम टी टूगेदर, उन्होंने साथ साथ चाय ली। एंड देन वेंट टू बेड इन एडजॉइनिंग रूम, और तब पास के रूम में सोने के लिए चले गए। इट वॉज नॉट एकिशनोव हैबिट टू स्लीप लेट, और एकिशनोव है उसकी आदत देर रात तक सोने की नहीं थी। एंड विशिंग ए ट्रेवल वाइल इट वॉज स्टिल कूल, और वह चाहता था कि उस समय यात्रा की जाए जब ठंड हो। ही रोज ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डॉन, उसने भोर से पहले अपने ड्राइवर को जगाया। एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, टू पिट इन द हॉर्स, कि वह हॉर्स हैं या घोड़े हैं उनको लाद ले। देन तब ही मेड हिज वे अक्रॉस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन, और तब वह रास्ते के ऊपर चला जो जमींदार है उसके खेतों से होकर, हु लिव्ड इन ए कॉटेज एट द बैक, जो पीछे एक झोंपड़ी में रहता था। पेड हिज बिल, उसके बिल का भुगतान किया। एंड कंटिन्यू हिज जर्नी, और अपनी यात्रा है उसको जारी रखा। वेन ही हैड गोन अबाउट 25 miles, जब वह 25 mile के लगभग जा चुका था, ही स्टॉप फॉर द हॉर्स टू बी फेड, तो उसने अपने घोड़ों को खिलाने के लिए रुका। एकिशनोव रेस्टेड ए वाइल इन द पैसेज ऑफ द इन, और वो धर्म एकिशनोव है वो धर्मशाला के एक अहाते के अंदर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा। देन ही स्टेप्ड आउट इन टू द पोर्च, तब वह अहाते में बाहर कदम रखा। एंड और ऑर्डरिंग ए समोवर टू बी हीटेड, और एक
समोर यानी पानी गर्म करने का जो बर्तन है उसको गर्म करने के लिए कहा। गोट आउट हिज गिटार, और उसने अपनी गिटार को लिया एंड बिगेन टू प्ले, और उसे बजाने लग गया। सडनली अचानक ए ट्रोकिया, एक 3 घोड़ों द्वारा चलाने वाली गाड़ी ड्रो अप विथ ट्रिंकलिंग बेल्स, वह चलती हुई आई अपनी घंटी बजाती हुई। एंड एन ऑफिशियल एलाइटेड, और एक अफसर है उससे उतरा, फॉलोड अनुसरण करते हुए बाय 2 सोल्जर्स, 2 सिपाहियों के साथ में। ही केम टू एकेशनोव एंड बिगेन टू क्वेश्चन हिम, वह एकिश्नो के पास में आया और उसे प्रश्न पूछने लगा। आस्किंग हिम, उसे पूछते हुए, हु ही वाज एंड वेयर ही केम, आप कौन हो और कहाँ से आए हो। एकिश्नो आंसर्ड हिम फुली, आंसर एकिश्नो ने उसको पूरा जवाब दिया। एंड सेड, और बोला, वॉन्ट यू हैव सम टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ में कुछ चाय लोगे। बट द ऑफिशियल वेंट ऑन क्रॉसिंग क्वेश्चंस हिम, लेकिन जो अधिकारी है वो उसे क्रॉस क्वेश्चन है वो करता रहा। एंड आस्किंग हिम, और उसको पूछा, वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, कि आपने पिछली रात कहाँ बिताई थी। वर यू अलोन, क्या आप अकेले थे। और विथ ए फेलो मर्चेंट, या आपके साथ में कोई साथी व्यापारी था। डिड यू सी द अदर मर्चेंट दिस मॉर्निंग, क्या आपने उस व्यापारी को अगली सुबह देखा था क्या। वाई डिड यू लीव द इन बिफोर डॉन, और आप भोर से पहले ही धर्मशाला को कैसे छोड़ दिया। अकेश नाउ वंडर्ड वाई ही आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस, एकिश्नो है उसको आश्चर्य हुआ कि यह मेरे से इतने क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। बट ही डिस्क्राइब ऑल दैट, लेकिन उसने सारा वर्णन किया, हैड हैपेंड जो घटित हुआ। एंड देन एडेड, और तब उसने जोड़ा, व्हाई डू यू क्रॉस क्वेश्चन मी, आप मेरे को क्यों इतने पर्सन पर पर्सन कर रहे हो, एज इफ मानो कि आई वर ए थीप और ए रोबर, या तो मैं कोई चोर हूं या कोई लुटेरा हूं। आई एम ट्रेवलिंग ऑन बिजनेस ऑफ माई ओन, मैं मेरे स्वयं के व्यापार के लिए यात्रा कर रहा हूँ। एंड देर इज नो नीड टू क्वेश्चन मी, और मेरे को प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है। देन द ऑफिशियल कॉलिंग द सोल्जर्स, तब उस अधिकारी ने अपने सिपाहियों को कहा, आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, एंड मैं इस इलाके का पुलिस ऑफिसर हूँ, इस जिले का पुलिस ऑफिसर हूँ। एंड आई क्वेश्चन यू बिकॉज, और मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि, द मर्चेंट विथ होम यू स्पेंड लास्ट नाइट, क्योंकि जिस व्यापारी के साथ आपने रात पिछली रात्रि है वो बिताई थी, हैज बीन फाउंड विथ हिज थ्रोट कट, वह पाया गया है उसका गला कटा हुआ था। वी मस्ट सर्च योर थिंग्स, हम अवश्य ही आपकी चीजें हैं इनकी खोजबीन करेंगे। दे एंटर द हाउस, वो घर के अंदर घुसे। द सोल्जर्स एंड द पुलिस ऑफिसर अनस्टेप्ड, और जो सिपाही हैं और जो पुलिस अधिकारी है उसने उसके सामान को खोला, एकेश्नोई लगेज, एकेश्नोई के लगेज को, एंड सर्च इट, और इसके अंदर खोजा। सडनली द ऑफिसर ड्रू ए नाइफ आउट ऑफ ए बैग, और अचानक ही उस अधिकारी ने उसे उस थैले के अंदर से एक चाकू बाहर निकाला, क्राइंग चिल्लाते हुए, हुज नाइफ इज दिस, ये चाकू किसका है। एकेश्नोई लुक्ड, एकेश्नोई ने देखा, एंड सीइंग, और देखते हुए, ए ब्लड स्टेन नाइफ टेकन फ्रॉम हिज बैग, कि एक रक्त रंजित चाकू है वो उसके थैले से लिया गया। ही वॉज फ्राइटेंड, वह भयभीत हो गया। हाउ इज इट, यह कैसे है। देयर इज ब्लड ऑन दिस नाइफ, इस चाकू के ऊपर खून है। अकेश्नोई ट्राई टू आंसर, अकेश्नोई है उसने उत्तर देने की कोशिश की, बट कुड हार्डली अटर ए वर्ड, लेकिन मुश्किल से ही एक शब्द कह पाया। एंड ओनली स्टेमर्ड, और हकलाने लगा, आई डोंट नो, नोट माइन, मैं कुछ नहीं जानता, यह मेरा नहीं है। देन तब द पुलिस ऑफिसर सेड, वो पुलिस अधिकारी ने कहा, दिस मॉर्निंग द मर्चेंट वाज फाउंड इन बेड विथ हिज थ्रोट कट, इस सुबह जो व्यापारी है वो अपने गले कटे हुआ पाया गया। यू आर ओनली पर्सन हु कुड हैव डन इट, और आप अकेले एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जिस जो यह सब कर सकते हो। द हाउस वॉज लॉक्ड फ्रॉम इन साइड, घर है वो अंदर से ताला लगा हुआ था। एंड नो वन एल्स वॉज देयर, और वहां पर कोई नहीं था। देयर इज दिस ब्लड स्टेंड नाइफ इन योर बैग, और आपके थैले के अंदर ये रक्त रंजित चाकू है। एंड और योर फेस एंड मैनर बिट्रे यू, और आपका चेहरा और आपके जो तौर तरीके हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। टेल मी हाउ यू किल्ड हिम, मेरे को ये बताओ कि आपने उसको कैसे मारा। एंड हाउ मच मनी यू स्टोल, और कितना धन आपने चुराया। एकेश्नोई स्वोर, एकेश्नोई ने सौगंध खाई, ही हैड नॉट डन इट, कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दैट ही हैड नॉट सीन द मर्चेंट, और उसने उस व्यापारी को नहीं देखा। आफ्टर दे हैड हैड टी टूगेदर, यानी वो जब चाय ली उसके बाद में, दे दैट यानी कि ही हैड नो मनी एक्सेप्ट 8,000 रूबल्स, उसके पास में आठ आठ
8,000 रूबल के अलावा कोई भी धन नहीं है। ऑफ हिज ओन जो उसका स्वयं का है, एंड दैट द नाइफ वॉज नॉट हिज, और चाकू उसका नहीं है। बट हिज वॉइस वॉज ब्रोकन, लेकिन उसकी आवाज टूट गई। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला हो गया। एंड और ही ट्रेम्बल्ड विथ फियर, वह भय से लड़खड़ा गया। एज दो ही वेंट गिल्टी, जैसे कि वो दोषी हो। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, और जो पुलिस अधिकारी है उसने उन सिपाहियों को आदेश दिया टू बाइंड अकेश्नोई, कि अकेश्नोई को बांध लो। एंड टू पुट हिम इन द कार्ट, और उसको गाड़ी में डाल दो। एज दे टाइड हिज फिट टूगेदर एंड फ्लंग हिम इन टू द कार्ट, और जैसे ही उसने उनके पैर हैं उनको साथ साथ में बांधा और कार्ट या घोड़े गाड़ी के अंदर डाल दिया। अकेश्नोई क्रॉस्ड हिमसेल्फ एंड वेप्ट, अकोश नहीं है, उसने अपने स्वयं से प्रसन्न किया और रोने लगा। हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम, उसका धन और उसकी चीजें उसे ले ली गई। एंड ही वाज सेंट टू द नियरेस्ट टाउन और एंड इम्प्रिजन्ड देयर, और उसको नजदीक के कस्बे में भेज दिया गया, जहां जेल में डाल दिया गया। इंक्वायरीज एज टू हिज कैरेक्टर वर मेड इन व्लादिमिर, और उसके चरित्र के बारे में जांच पड़ताल की गई। व्लादिमिर से कस्बे के अंदर द मर्चेंट एंड अदर इनहेबिटेंट्स, व्यापारी और अन्य निवासी ऑफ दैट टाउन, उस कस्बे के सेड, उन्होंने कहा दैट इन फॉर्मर डेज, कि पिछले दिनों ही यूज टू ड्रंक एंड वेस्ट हिज टाइम, वह दारू पिया, वह शराब पिया करता था और अपना समय बर्बाद करता था। बट दैट ही वॉज ए गुड मैन, लेकिन वह एक अच्छा आदमी था। दैट यानी कि ही ट्रायल कैम देन द ट्रायल ट्रायल कैम ऑन, और इस प्रकार मुकदमा है वो जारी रहा। ही वॉज चार्ज विथ मर्डरिंग, और उसके ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया। ए मर्चेंट फ्रॉम रियाजान, एक व्यापारी जो रियाजान से था। एंड रोबिंग हिम ऑफ 20,000 रुपीज, और उसके 20,000 रुपये लूटने का। हिज वाइफ वाज इन डेस्पायर, उसकी जो पत्नी है वो हताशा में थी। एंड डिड नॉट नो वाट टू बिलीव, और नहीं जानती थी कि किस चीज़ पर विश्वास किया जाए। हर चिल्ड्रन वर ऑल क्वाइट स्मॉल, उसके सभी बच्चे छोटे थे। वन वाज ए बेबी एट हर ब्रेस्ट, और एक तो दूध भी पीता बच्चा था। टेकिंग देम ऑल विथ हर, उन सभी को साथ में लेकर के शी वेंट टू द टाउन, वह कस्बे में गई। देर ही देर हर हस्बैंड वाज इन जेल, जहाँ पर उसका व्यापारी जेल के अंदर था। एट फर्स्ट, सबसे पहले शी वाज नॉट अलाउड टू सी हिम, उसको मिलने की अनुमति नहीं दी गई। बट आफ्टर, लेकिन बाद में मच बेगिंग, बहुत ज़्यादा अनुनय विनय करने के बाद में शी ऑब्टेंड परमिशन फ्रॉम द ऑफिशियल से, वह अधिकारियों से मिलने की अनुमति प्राप्त कर ली। एंड वाज टेकन टू हिम, और उसे ले जाया गया। वेन शी सा हर हस्बैंड इन प्रिजन ड्रेस, जब उसने अपने पति को कैदी की पोशाक में देखा। एंड इन चेन्स और जंजीरों में, सेट अप विथ थीव्स एंड क्रिमिनल्स, जो बंद था चोरों और बदमाशों के बीच में। शी फेल डाउन, वह गिर गई। एंड डिड नॉट कम टू हर सेंस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक चेतना की अवस्था में नहीं आई। देन तब सी 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 ड्रू हर चिल्ड्रन टू हर, तब उसने अपने बच्चों को खींच लिया। एंड सेट डाउन नियर हिम, और उसके पास में बैठ गई। शी टोल्ड हिम, उसने उसको बताया। एट होम, की घर पर। एंड आस्क्ड टोल्ड हिम थिंग्स एट होम, घर की सभी चीज़ों के बारे में। एंड आस्क्ड अबाउट वाट हैड हैपन्ड टू हिम, और ये बताया कि उसके साथ में क्या घटित हुआ। ही टोल्ड हर आल, उसने उसको सभी चीज़ें बता दी। एंड सी आस्क्ड, और उसने पूछा वाट कैन वी डू नाउ, हम अब क्या कर सकते हैं। वी मस्ट पिटिशन द जार नोट टू लेट ए इनोसेंट मैन पेरिस, हम जार जो रूस के अंदर राजा को कहते हैं उसके पास में याचिका लगाएंगे कि इस तरह एक निर्दोष व्यक्ति को बर्बाद मत होने दो। हिज वाइफ टोल्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसको बताया। दैट सी हैड वेंट ए पिटिशन टू द जार, कि वह एक याचिका जार के पास में लगा चुकी है। बट इट हैड नोट बीन एक्सेप्टेड, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। अकेश्नोई डिड नॉट रिप्लाई, अकेश्नोई ने कोई भी जवाब नहीं दिया। बट ओनली लुक्ड डाउन कास्ट, लेकिन नीचे देखता रहा। दिस देन हिज वाइफ सेड, तब उसकी पत्नी ने कहा इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, अब करने के लिए कुछ भी नहीं था। आई ड्रीम्ड योर हेयर, आई ड्रीम्ड, मैंने सपना लिया था। योर हेयर हैड टर्न्ड ग्रे, यू रिमेम्बर, कि आपके बाल हैं वो सफ़ेद हो चुके थे। यू रिमेम्बर, आप याद करो। यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड दैट डे, आपको उस दिन यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए थी। एंड और पासिंग हर फिंगर थ्रो थ्रो हिज हेयर, और अपनी अंगुली उसके बालों के अंदर उसने गुजारी। शी सेड, वह बोली इवान डियरेस्ट, प्रिय इवान, टेल योर वाइफ द ट्रुथ, अपनी पत्नी को सत्य बता दो। वाज इट नॉट यू हु डिड इट, क्या तुम वो तो नहीं हो जिसने ऐसा किया।
सो यू, अरे तुम टू सरप्राइज सस्पेक्ट मी, तुम भी मेरे पर संदेह करते हो, सेड अकेशनी अकेशनी बोला, एंड एंड हाइडिंग हिज फेस, और अपना चेहरा है वो छुपाने लग गया इन हिज हैंड्स, अपने हाथों के अंदर, ही बिगेन टू वीप, और वह रोने लग गया। देन ए सोल्जर केम टू से, तब एक सिपाही यह कहने के लिए, दैट द वाइफ एंड चिल्ड्रन मस्ट गो अवे, कि पत्नी और बच्चे हैं वो अवश्य ही दूर चले जाएं। एंड अकेश्नोई सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम, और इस प्रकार अकेश्नोई ने अब पत्नी को अंतिम बार गुड बाय या अलविदा कहा। वेन देर वर गोन, जब वे जा चुके थे, अकेश्नोई रिकॉल्ड अकेश्नोई अकेश्न एकिश्नो ने याद किया व्हाट हैड बीन सेड, कि क्या कहा जा चुका था। एंड वेन ही रिमेम्बर्ड दैट हिज वाइफ आल्सो हैड सस्पेक्टेड हिम, और जब उसने याद किया कि उसकी स्वयं की पत्नी भी उस पर संदेह कर चुकी थी, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा, इट सीम्स दैट ओनली गॉड कैन नो द ट्रूथ, कि ऐसा प्रतीत होता है कि केवल भगवान है वो ही सत्य जानता है, जान सकता है। इट इज टू हिम, यही अलोन, यही वह अकेला है, वी मस्ट अपील, जिसके अपन पास अपन निवेदन कर सकते हैं करेंगे। एंड फ्रॉम हिम अलोन एक्सपेक्ट मर्जी, और उसी से केवल दया की आशा कर सकते हैं। एंड अकेश्नोई रोट नो मोर पिटिशन, और इस प्रकार अकेश्नोई ने कोई भी याचिका है वो नहीं लिखी। गेव अप ऑल होप, उसने सभी प्रकार की आशाएं त्याग दी। एंड ओनली और केवल प्रेड प्रार्थना की टू गॉड भगवान से। अकेश्नोई वाज कंडम्ड टू बी फ्लॉग्ड, अकेश्नोई को दोषी ठहराया गया और दंड दिया गया, फ्लॉग्ड कोड़े मारने का, एंड सेंट टू माइंस, और खदानों में भेज दिया गया। सो इसलिए ही वाज फ्लॉग्ड विथ ए नोट, उसको गांठ वाली रस्सी से कोड़े मारे गए। एंड वेन द वाउंड्स मेड बाय द नोट वर हील्ड, और जो गांठों से बने हुए घाव हैं वो जब भर गए, ही वाज ड्राइव टू साइबेरिया विथ अदर कन्विक्ट से, उसको साइबेरिया अन्य अपराधियों के साथ में भेज दिया गया। 426 ईयर अकेश्नोई लिव्ड एज ए कन्विक्ट इन साइबेरिया, और 26 वर्षों से एकिश्नोव है वो साइबेरिया में एक अपराधी की तरह रहा। हिज हेयर टर्न्ड वाइट एज स्नो, और उसके बाल इतने सफेद हो गए जितनी की बर्फ होती है। एंड हिज बियर्ड ग्रू लॉन्ग, और उसकी दाढ़ी है वो लंबी बढ़ गई, थिन पतली थी, एंड ग्रे और सफेद थी। ऑल हिज मिर्थ, और उसकी सभी खुशी है वेंट जा चुकी थी। ही स्टूड, वह कंधों के बल झुक गया था। ही वॉक स्लोली, वह धीरे धीरे चला। स्पोक लिटिल, धीरे धीरे बोला। एंड और नेवर लाफ्ड, कभी नहीं हंसा। बट ही ओपन प्रेड, लेकिन वह प्राय प्रार्थना करता था। इन प्रिजन जेल के अंदर अकेश्नोई लर्न टू मैक बूट से, अकेश्नोई है उसने जूते बनाना सीख लिया। एंड अर्न ए लिटिल मनी, और थोड़ा सा धन कमाया। विथ विच, जिससे कि ही बोट द लाइव ऑफ द संत, उसने एक लाइव ऑफ द संत नामक किताब खरीद ली। ही रीड दिस बुक, और वह उस किताब को पढ़ता था। वेन देर वॉज लाइट एनफ इन द प्रिजन, जब उस जेल के अंदर पर्याप्त प्रकाश होता था। एंड ऑन संडे, और संडे को इन द प्रिजन चर्च, उस जेल की चर्च के अंदर या गिरजाघर के अंदर, ही रीड द लेसन्स एंड सेंग, वह पाठ पढ़ता था और गाता था इन द चोर यानी मंडली के अंदर। फॉर हिज वॉइस वॉज स्टिल गुड, क्योंकि उसकी आवाज है वो अब भी अच्छी थी। द प्रिजन अथॉरिटीज लाइट अकेश्नोई फॉर हिज मीकनेस, और जो जेल की जो सत्ताधारी या जो अधिकारी हैं वो अकेश्नोई को उसकी नम्रता के लिए पसंद करते थे। एंड हिज फेलो, और उसके साथी प्रिजन रेस्पेक्टेड हिम, वो भी उसका आदर करते थे। दे कॉल्ड हिम ग्रैंड फादर एंड द संत, वो उसको दादा या फिर संत के नाम से पुकारते थे। वेन दे वांटेड टू पिटिशन द प्रिजन अथॉरिटीज, जब वे जेल के अधिकारियों के पास कोई याचिका है वो पेश करना चाहते थे अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में, दे ऑलवेज मेड अकेश्नोव, तो वो हमेशा अकेश्नोव को तैयार करते थे देर स्पोक्स पर्सन, उनके प्रवक्ता के रूप में। एंड वेन देर वर क्वारल अमोंग द प्रिजनर्स, और जब उन कैदियों के बीच में झगड़ा हो जाता था, दे केम टू हिम, वो उसके पास में आते टू पुट थिंग्स राइट, और सही चीजें रखते। एंड टू जज द मैटर, और उस मामले का निर्णय करने के लिए कहते। नो न्यूज रीच्ड अकेश्नोई फ्रॉम हिज होम, और कोई भी सूचना है वो अकेश्नोई के पास में उसके घर से नहीं आती थी। एंड ही डिड नॉट इवन नो इफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्टिल अलाइव, और उसको बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी पत्नी है और उसके बच्चे अब भी जिंदा हैं। वन डे, एक दिन, ए फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स केम टू द प्रिजन, एक अपराधियों का एक नया दल है वो जेल के अंदर आया।
इन द इवनिंग, शाम को, द ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड राउंड द न्यू वंस, और जो बूढ़े या जो पुरानी जो कैदी हैं कलेक्टेड राउंड, वो चारों ओर हो गए द न्यू वंस, नए नए वालों के पास में, एंड आस्क देम व्हाट टाउन्स और विलेजेज दे केम फ्रॉम, कि आप कौन से कस्बे और गाँव से आप आए हो, एंड वाट देवर सेंटेंस्ड फॉर, और किस चीज़ के लिए आपको जेल भेजा गया है। अमोंग द रेस्ट एक्सनोई सेट डाउन नियर देन द न्यू कमर्स, और एक्सनोई है वो उनके पास में बैठ गया, एंड लिसनड विथ ए डाउन कास्ट एयर, और नीचे झुकाने वाली मुद्रा के अंदर सुनता रहा, टू वाट वाज सेड, कि क्या कहा जा रहा है। वन ऑफ द न्यू कन्विक्ट्स, और उन नए अपराधियों में से एक, ए टाल स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ 60, एक मजबूत 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति, विथ ए क्लोजली क्रॉप्ड ग्रे ब्रेड, जिसकी बहुत ही छोटी छोटी कटी हुई दाढ़ी थी, सफ़ेद दाढ़ी थी, वाज टेलिंग द अदर्स, वो दूसरे लोगों को कह रहा था, व्हाट ही हैड बीन अरेस्टेड फॉर, कि उसको क्यों गिरफ्तार किया गया। वेल फ्रेंड्स, अच्छा दोस्तों, ही सेड, वह बोला, आई ओनली टुक ए हॉर्स दैट वाज टाइड टू ए स्लेज, मैंने एक घोड़े को लिया था जो एक बर्फ में चलने वाली गाड़ी से बंधा हुआ था, एंड आई वाज अरेस्टेड एंड अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग, और मेरे को गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे पर चोरी का आरोप लगाया गया। आई सेड, मैंने कहा, आई हैड ओनली टेकन इट टू गोट होम, क्योंकर मैंने इसको लिया है क्योंकि मेरे को घर शीघ्र जाना था, एंड और हैड देन लेट इट गो, और मैंने इसको जाने दिया। बिसाइड, इसके अलावा, द ड्राइवर वाज ए पर्सनल फ्रेंड ऑफ माइन, और उसका जो ड्राइवर या चालक था वो मेरा व्यक्तिगत मित्र था। सो आई सेड, मैंने कहा, इट्स ऑल राइट, ये सब चीज़ें ठीक हैं। नो, नहीं सेड दे, उन्होंने बोला, यू स्टोल इट, आपने इसको चोरा है, बट लेकिन नाउ और वेयर आई स्टोल इट दे कुड नो से, लेकिन मैंने कहा कि कहाँ और किसे मैंने इसको चुराया है, लेकिन वो कुछ नहीं कह सके। आई वंस रियली डिड समथिंग रॉन्ग, एक बार अवश्य ही मैंने कुछ गलत किया था, एंड और ओट राइट टू हैव कम हियर लॉन्ग अगो, और मेरे को यहाँ बहुत पहले, लंबे समय पहले ही यहाँ पर आ जाना चाहिए था, बट दैट टाइम आई वॉज नॉट फाउंड फॉर, लेकिन उस समय मेरी तलाशी नहीं की गई। नाउ इन, अब आई हैव बीन सेंट हियर फॉर नथिंग एट ऑल, ले और अब मेरे को बिना किसी चीज़ के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है ये, बट लेकिन इट्स लाई, लेकिन ये झूठ है। आई एम टेलिंग यू, मैं आपको कह रहा हूँ, आई हैव बीन टू साइबेरिया बिफोर, कि मैं पहले भी साइबेरिया आ चुका हूँ, बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग, लेकिन मैं यहाँ लंबे समय तक नहीं ठहरा। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, आस्क वन समवन, उनमें से एक ने पूछा। फ्रॉम व्लादिमीर, व्लादिमीर से, माई फैमिली आर ऑफ दैट टाउन, मेरा परिवार है वो उस कस्बे से, माई नेम इज मेकर, मेरा नाम मेकर है, एंड और दे आल्सो कॉल्ड मी सिम्यूनिच, और वो लोग मेरे को सिम्यूनिच नाम से पुकारते हैं। एकेशनोई रेज्ड हिज हेड एंड सेड, एकेशनोई है, उसने अपना सर उठाया और कहा, टेल मी, मेरे को बताओ, सिम्यूनिच, सिम्यूनिच, डू यू नो एनीथिंग ऑफ द मर्चेंट ऑफ एकेशनोई ऑफ व्लादिमीर, क्या आप व्लादिमीर के जो एकेशनोई व्यापारी हैं उनके बारे में कुछ भी जानते हो क्या? आर दे स्टिल अलाइव, क्या वे अब भी जिंदा हैं? नो देम, नो देम, जानता हूँ उनको, ऑफकोर्स, निसंदेह, आई डू, द एकेशनोई आर रिच, एकेशनोई हैं वो धनवान हैं, थ्रो देयर फादर इज इन साइबेरिया, दो यदि भी उनका पिता है वो साइबेरिया में है, ए सिनर लाइक और सेल्फ, एक अपराधी हमारे अपनी तरह, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हो, ग्रांड दादाजी, हाउ डिड यू कम हियर, आप यहाँ पर कैसे आए? एकेशनोई डिड नॉट लाइक टू स्पीक ऑफ हिज मिसफॉर्चून, एकेशनोई है वो अपने दुर्भाग्य के बारे में कुछ भी नहीं कहना पसंद करता था। ही ओनली साइंड, उसने केवल आह भरी एंड सेड और बोला, फॉर माई सिंस, मेरा अपराध, आई हैव बीन इन प्रिजन दिस 26 ईयर, और कि मैं इस जेल के अंदर 26 वर्षों से हूँ। वाट सिंस, क्या अपराध? आस्क मेकर सिम्यूनिच, मेकर सिम्यूनिच ने पूछा, बट लेकिन एकेशनोई ओनली सेड, एकेशनोई ने केवल कहा, वेल ठीक है, वेल आई मस्ट हैव डिजर्व इट, मैं बिल्कुल ही इसके योग्य था। ही वुड हैव सेड नो मोर, और उसने इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहा, बट लेकिन हिज कंप्लेंट्स, उसकी कंप्लेंट, लेकिन उसकी जो शिकायत थी, टोल्ड द न्यू कमर्स, जो नए आने वालों की, हाउ एकेशनोई केम टू बी इन साइबेरिया, कि किस तरह एकेशनोई है वो साइबेरिया के अंदर आया, हाउ समवन हैड किल्ड ए मर्चेंट, कि किस तरह किसी व्यक्ति ने किसी व्यापारी को मार दिया, एंड हैड पुट द नाइफ अमंग द एकेशनोई थिंग्स,
और अकृष्णवी की जो वस्तुएं चीजें हैं उनके बीच में चाकू को रख दिया था। एंड अकृष्णवी हैड बीन अनजस्टली कंडम्ड, और इस प्रकार गलत तरीके से अकृष्णवी को दोषी ठहराया गया। वेन मेकर सेमनोविच हियर्ड दिस, जैसे ही मेकर सेमनोविच ने इस चीज को सुना, ही लुक्ड एट अकृष्णवी, उसने अकृष्णवी की ओर देखा, स्लेप्ड हिज ओवन नी, अपने अपने घुटने के ऊपर मारा, एंड एक्सक्लेम्ड, और आश्चर्य किया, वेल ठीक है, दिस इज वंडरफुल, ये आश्चर्यचकित है, रियली वंडरफुल, वास्तव में आश्चर्यचकित है, बट हाउ ओल्ड यू ग्रोन, लेकिन आप कितने वर्ष के हो गए, ग्रांडा ग्रांडा द अदर्स आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज सो सरप्राइज्ड, और अन्य लोगों ने पूछा कि आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हुए, एंड वेयर ही हैड सीन कृष्णवी बिफोर, क्या आपने पहले कृष्णवी को पहले देखा है, बट मकार सिनुविच डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन मकार सिनुविच ने कोई जवाब नहीं दिया, ही ओनली सेड, उसने केवल कहा, इट्स वंडरफुल दैट वी शुड मीट हियर लेट से, यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि लड़को हम सब यहाँ पर मिले, हमें मिलना चाहिए। दीज वर्ड्स मेड अकृष्णवी वंडर, और इन शब्दों ने अकृष्णवी को आश्चर्यचकित कर दिया। वेदर दिस मैन न्यू हु हैड किल्ड द मर्चेंट, कि या तो यह व्यक्ति जानता है कि किस व्यक्ति ने उस व्यापारी की हत्या की थी। सो ही सेड, उसने कहा, परहैप्स शायद सिम्युनिच यू हैड हैव हियर्ड ऑफ दैट अफेयर, आप इस मामले के बारे में सुन चुके हो, और मे बी हो सकता है यू हैव सीन मी बिफोर, कि आपने मेरे को पहले कभी देखा हो। हाउ कुड आई हेल्प हियरिंग, हाउ कुड, कैसे मैं आपकी सुनने में सहायता कर सकता हूँ। द वर्ड्स फुल ऑफ रूमर्स, और जो संसार है वो अफवाहों से भरा हुआ था, बट लेकिन इट्स ए लॉन्ग टाइम, ये लंबा समय हो गया अगो पहले, एंड आई हैव फॉरगॉटन व्हाट आई हर्ड, और मैं वो सब चीजें भूल चुका हूँ जो मैंने सुनी थी। पर अब शायद यू हर्ड हु किल्ड द मर्चेंट, लेकिन शायद आप जानते होंगे कि किस व्यक्ति ने उस व्यापारी को मारा। आस्क्ड एकेश्नो पूछता है। मेकर सेनोनिच लाफ्ड, मेकर सेनोनिच है वो हंसा, एंड रिप्लाइड, और उसने जवाब दिया, इट मस्ट हैव बीन हिम इन हुज बैग द नाइफ, इट मस्ट हैव बीन, यह वही हो सकता है जिसके जिसका वो बैग था, नाइफ वॉज फाउंड, जिसमें चाकू पाया गया। इफ समवन एल्स हिड द नाइफ देयर, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसको वहां छुपा था, ही इज नॉट ए थीप टिल ही है, तो क्या वह चोर नहीं होता। ही काट, जो पकड़ा जाता, एज द सेइंग इज, और जैसा कहा जाता है, हाउ कुड एनी वन पुट ए नाइफ इन टू योर बैग, कि कैसे कोई व्यक्ति आपके बैग के अंदर चाकू रख सकता है, वाइल इट अंडर योर हेड, जो कि जबकि जो आपके सिर के नीचे था, इट वुड श्योरली है वोकन अप यू, और ये अवश्य ही आपको जगा देता। वेन जब अकेश्नोई हर्ड दीज वर्ड्स, अकेश्नोई ने ये शब्द सुने, ही फेल्ट, उसने श्योर, तो वह आश्वस्त हो गया, दिस की वाज वाज द मैन हु, कि वही वो व्यक्ति है, हैड किल्ड द मर्चेंट, जिसने उस व्यापारी को मारा था। ही रोज एंड वेंट अवे, वह खड़ा हो और चला गया। ऑल दैट नाइट, उस पूरी रात, अकेश्नोई ले अवेक, अकेश्नोई जागता रहा। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, टेरिबली, भयानक रूप से, अनहैप्पी, नाखुश, एंड और ऑल सोर्ट्स ऑफ इमेज, और सभी प्रकार की तस्वीरें रोज इन हिज माइंड, उसके दिमाग के अंदर उठी। देयर वाज द इमेज ऑफ हिज वाइफ, और वहां पर उसकी पत्नी की जो तस्वीर थी, ऐसी वाज बीन ही पार्टेड फ्रॉम हर, और वो वैसी ही थी जैसे उसे वह अलविदा हुआ था। टू गो टू द फेयर, जब वह मेले के अंदर गया था, ही सा, उसने देखा, हर एज इफ शी वर प्रेजेंट, कि वो वहां पर ही, हर फेस एंड हर आईज, उसका चेहरा और उसकी आंखें रोज उठी बिफोर हिम, उसके सामने। ही हियर द स्पीक, वह उसने उसकी आवाज सुनी, एंड लाप, और उसकी देने, तब ही सा ही चिल्ड्रन, उसने अपने बच्चों को देखा, क्वाइट लिटिल, वो बिल्कुल छोटे छोटे थे, एज दे वर एट दैट टाइम, जैसे कि वो उस समय थे, वन विथ ए लिटिल क्लॉक, और उनमें से कुछ अपनी अपनी लबादे के साथ में, ओन पहने हुए, अनदर एट हिज मदर्स ब्रेस्ट, जो अपनी दूसरा है वो अपनी माँ की छाती के चिपके हुआ था। एंड देन ही रिमेम्बर्ड हिमसेल्फ, और तब उसने अपने आप को याद किया, एज ही यूज टू बी यंग एंड मैरी, कि जब वह जवान और हर्षित था। ही रिमेम्बर्ड हाउ ही हैड प्लेइंग द गिटार, और वह याद करने लगा कि किस तरह वह गिटार बजाता था। इन द पोस्ट, आते में, ऑफ द इन, धर्मशाला के अंदर, वेयर, जहाँ पर ही वाज अरेस्टेड, जहाँ पर उसको गिरफ्तार किया गया। एंड हाउ फ्री फ्रॉम केयर ही हैड बीन, और किस तरह वह चिंता से मुक्त था। ही सा, उसने देखा, इन हिज माइंड, की उसके दिमाग के अंदर, द प्लेस वेयर ही वाज फ्लोग्ड, कि वो जगह जहाँ पर उसे कोड़े लगाए गए, द एग्जीक्यूशनर,
और जो जल्लाद है, एंड द पीपुल स्टैंडिंग, और लोग हैं वो खड़े हुए थे अराउंड उसके चारों ओर, द चेन्स जंजीरों में, द कन्विक्ट अपराधी, ऑल द 26 ईयर ऑफ हिज प्रिजन लाइफ, और उसके पूरी के पूरे 26 वर्ष कैदी के रूप में, एंड हिज प्रीमेच्योर ओल्ड एज, और उसकी प्रीमेच्योर अब समय से पहले की जो बुढ़ापा है, द थॉट ऑफ इट, और जो सोच है इसके बारे में, ऑल मेड हिम सो रेस्ट, उसको बहुत ज्यादा दयनीय बना दिया, दैट यानी कि ही वॉज रियली टू किल हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को भी खत्म करने के लिए तैयार हो गया था, एंड इट्स ऑल, और ये सब चीजें दैट विलन डूइंग, वो किसी विलन की की हुई थी, दो यद भी एकेशनोई एकेशनोई, एंड हिज एंगर वॉज सो ग्रेट अगेंस्ट मैकर, और उसका गुस्सा है वो मैकर के खिलाफ बहुत ज्यादा हो गया, सैंडविच के, दैट ही लॉन्ग्ड फॉर विंजियंस, और वह उसे प्रतिशोध करने की कामना करने लगा, इवन इफ यदि ही हिमसेल्फ शुड पेरिश फॉर इट, यदि वह अपने आप को खत्म कर ले, ही केप्ट रिपीटिंग प्रेयर ऑल नाइट, वह रात भर प्रार्थना करना जारी रहा, बट कुड गेट नो पीस, लेकिन उसके पास में शांति नहीं प्राप्त कर सका, ड्यूरिंग द डे दिन में ही डिड नॉट गो नियर मकार सेनुविच, वह मकार सेनुविच के पास नहीं गया, नोर इवन लुक एट हिम, और नहीं उसकी ओर देखा, ए फोर्थ नाइट पास्ट इन दिस वे, और एक पखवाड़ा है वो इस तरह बीत गया, एकेश्नोई वुड नॉट स्लीप एट नाइट, अकुशनोई है वो रात को नहीं सो सका, एंड वाज सो मिजरेबल, और इतना ज्यादा दयनीय हो गया, दुखी हो गया, दैट ही डिड नॉट नो वॉट टू डू, कि वह नहीं जानता था कि क्या किया जाए, वन नाइट एक रात को ही वाज वॉकिंग अबाउट द प्रिजन, वह घूम रहा था जेल के अंदर, ही नोटिस, उसने देखा सम अर्थ हैड कम रोलिंग आउट फ्रॉम अंडर वन ऑफ द स्लेव्स, कि उसने देखा कि कुछ मिट्टी है वो बाहर आ रही थी पट्टी से, ऑन विच द प्रिजनर स्लेप्ट, जिसके ऊपर जो कैदी हैं वो सोते हैं, ईस्ट आउट वह रुका टू सी, देखने के लिए, व्हाट इट वाज, कि ये क्या था, सडनली अचानक मेकर सेनोनीच क्रेप्ट आउट, मेकर सेनोनीच है वो रेंग करके बाहर आया, फ्रॉम अंडर द सेल्फ, उस तार के नीचे से, एंड लुक्ड, और उसने देखा ऊपर की ओर, एट एक्सनोई विथ फ्राइटेंड फेस, एक्सनोई की ओर भयभीत चेहरे से, एक्सनोई ट्राई टू पास विदाउट लुकिंग, एक्सनोई है वो गुजर गया बिना कुछ देखे हुए, एट हिम उसके ऊपर, बट लेकिन लेकिन मैकर सीज्ड हिज हैंड, मैकर ने अपने हाथ बांध लिए, एंड टोल्ड हिम, और उसको कहा, दैट ही हैड डग ए होल अंडर द वॉल, कि वह उस दीवार के नीचे एक होल या छेद है वो खोद चुका है, गेटिंग रिड ऑफ द अर्थ बाई पुटिंग इट, गेटिंग रिड ऑफ, छुटकारा पाने के लिए, द अर्थ बाई पुटिंग इट इन हिज हाई बूट्स, और वह मिट्टी को अपने हाई बूट ऊंचे जो जूते हैं उसके अंदर डाल देता है, एंड एम्प्टी इट, उसको खाली कर देता है, ओवर एवरी डे ऑन द रोड, प्रत्येक दिन सड़क के ऊपर, व्हेन द प्रिजनर वर ड्राइविंग टू देयर वर्क, जब कैदियों को अपने काम के लिए ले जाया जाता है, जस्ट जल्दी ही, यू केप्ट क्वाइट, आपको बिल्कुल रख दिया गया, ओल्ड मैन वृद्ध व्यक्ति, एंड यू शैल गेट आउट टू, और यू शैल गेट आउट, और आप पर्याप्त रूप से प्राप्त करते हो, इफ यू बिलीव, यदि आप भेद खोल दोगे, दे शैल फ्लोग, दे विल फ्लोग फ्लोग, तो वो मेरे को कोड़ा मारेंगे।